तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और उसका एंगल B इक्वल है एंगल C के। पहली बात तो इस क्वेश्चन में डायग्राम ही नहीं दिया है, तो पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट ड्रॉ अ ट्राइंगल जिसका नाम हम रखने वाले हैं ABC, राइट। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। सो मेरे पास ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है। सो दिस इज योर ए वर्टेक्स, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। और इस क्वेश्चन में कहा है कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। कैन यू सी दिस, राइट? क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। तो लेट्स मार्क दैट इन द डायग्राम। ये हमारा एंगल बी है, राइट। ये एंगल बी और ये एंगल सी, इन दोनों की मेजरमेंट सेम है, इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दिया हुआ है। अब पार्ट वन में हमें कह रहा है प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है वो समझो दोस्तों। हमें प्रूफ करना है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम मिड पॉइंट, ठीक है। ये देखो, प्रूफ ये करना है कि द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर निकले उनकी बात चल रही है, ठीक है। परपेंडिकुलर्स कहाँ से परपेंडिकुलर्स? इस ट्राइंगल में ए से भी परपेंडिकुलर बनाया जा सकता है, बी से भी परपेंडिकुलर बनाया जा सकता है, सी से भी परपेंडिकुलर बनाया जा सकता है, कहीं से भी परपेंडिकुलर बना सकते हैं, ठीक। कोई भी पॉइंट से परपेंडिकुलर बना सकते हैं। तो कह रहा है परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द मिड पॉइंट, किसी मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाना है। मिड पॉइंट किसका? ऑफ बी सी। तो चलो बी सी का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। ये देखो, ये लिया मैंने बी सी का मिड पॉइंट, इसको नाम दे देता हूँ पी, ठीक है। तो ये पी क्या है? ये बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। बी सी का मिड पॉइंट है। क्यों क्यों मार्क किया है बी सी का मिड पॉइंट? क्वेश्चन में कहा है ना कि द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर्स हैं, किसका मिड पॉइंट? बी सी का। परपेंडिकुलर यहाँ से, यहाँ से परपेंडिकुलर कहाँ पे? यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे भी आ सकता है, इस ए सी पे भी आ सकता है, यहाँ से परपेंडिकुलर ए बी पे भी आ सकता है। कौन से परपेंडिकुलर वो भी समझते हैं। द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बी सी टू ए बी एंड ए सी आर इक्वल, ये प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर्स कहाँ से? मिड पॉइंट ऑफ बी सी से। परपेंडिकुलर्स कहाँ से? बी सी के मिड पॉइंट से, ठीक है। परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। बी सी के मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है, बी सी के मिड पॉइंट से मतलब पी से परपेंडिकुलर जो बनेंगे कहाँ पे? ए बी और ए सी पे, वो इक्वल है। तो हमें क्या इक्वल प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि ये देखो, मैंने इस मिड पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया, इसका नाम एम दे देता हूँ। तो पी एम क्या है? एक परपेंडिकुलर है ए सी पे। उसी तरह से मैं यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, कहाँ पे? ए बी पे। सो मैंने पी से परपेंडिकुलर बनाया, पी से परपेंडिकुलर बनाया, नाम देते हैं पी एन। सो पी एन क्या है? वॉट इज पी एन? पी एन इज परपेंडिकुलर, राइट। पी एन इज परपेंडिकुलर। और पी एम क्या है? पी एम भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर कहाँ से आए? पी से आए। और पी कौन है? बी सी का मिड पॉइंट है कि नहीं? तो फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बी सी परपेंडिकुलर्स टू ए बी एंड ए सी। परपेंडिकुलर्स कहाँ पे? ए सी और ए बी पे। यहाँ से ये रहा देखो मेरा ए सी, ए सी पे ये परपेंडिकुलर आया है, ए बी पे ये परपेंडिकुलर आया है। ये दोनों परपेंडिकुलर्स इक्वल है, ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है कि डायग्राम से हिसाब से पी एन इक्वल है पी एम के, ठीक है। पी एन पी एम के बराबर, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलो चालू करते हैं, ठीक है। पी एम किधर है? ये रहा पी एम और ये रहा पी एन, ठीक है। तो हमें कोई भी अगर दो सेगमेंट्स को इक्वल करना होता है तो हम प्रिफर करते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएं। तो इस सम में हम लोग दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे। पहला पहला ट्राइंगल होगा जिसमें पी एन आता है, ठीक है, क्योंकि पी एन ही तो चाहिए ना, पी एन को ही तो इक्वल करना है पी एम के। तो पी एन वाला एक ट्राइंगल लेंगे, पी एन वाला, और अब पी एम वाला भी ट्राइंगल लेंगे। ये देखो, ये रहा। सो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे इनको कॉन्ग्रुएंट, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उन तुम सबको अभी आता ही होगा दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे करता है, ठीक है। हमें बस स्टेट करने हैं तीन रीजंस और उससे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पहली बात तो ये समझा क्या, सम क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझना चाहिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें एंगल बी जो है, ये वाली एंगल बी और ये वाली जो एंगल सी है, ये दोनों इक्वल है,
ठीक है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, करेक्ट। और हमें ये बोला है कि बी सी के मिड पॉइंट से, ठीक है, बी सी के मिड पॉइंट से जो पी एम बनाया है और पी एन बनाया है, ये दोनों परपेंडिकुलर्स इक्वल प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव पी एम इज इक्वल टू पी एन। इज दिस क्लियर दोस्तों? ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। परपेंडिकुलर्स टू ए बी एंड ए सी, ए बी पे और ए सी पे, दोनों पे जो परपेंडिकुलर्स हैं, देखो ए बी पे भी परपेंडिकुलर आया, ए सी पे भी परपेंडिकुलर आया, ये दोनों परपेंडिकुलर आर इक्वल, ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो चालू करते हैं प्रूफ। ओके, तो कैसे प्रूफ करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितने रीजन चाहिए? तीन रीजन चाहिए। पहला रीजन ये है कि इस ट्राइंगल का, येल्लो वाले ट्राइंगल का जो एंगल बी है ये वाला, ठीक है, और ब्लू वाले ट्राइंगल का एंगल सी जो है वो इक्वल है, तो पहला रीजन तो मिल गया। हम कहेंगे एंगल एन बी पी इक्वल है एंगल एम सी पी के। भैया क्यों? गिवन है ये तो, हमें गिवन था ना कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। ठीक है, तो हमने कह दिया एंगल एन बी पी। ठीक है, अब इसको आप एंगल बी बोलो सिर्फ, या आप इसको ए बी पी बोलो, या आप इसको ए बी सी बोलो, ये एंगल तो वही है ना, ये तो उतनी ही मेजरमेंट की है। ठीक है, सो मैं इसको एन बी पी कहता हूँ, और इस एंगल को क्या कहेंगे? इस एंगल का नाम एम पी सी बोल दिया, एंगल तो वही है, सी वाली एंगल है। ठीक है, सो एम सी पी एंगल हो गया, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, पहला रीज़न मिल गया। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या होगा दोस्तों? ध्यान से देखो डायग्राम में, दूसरा रीज़न क्या होगा? दूसरा रीज़न ये है कि इस ट्राइंगल में हमारे पास, इस ट्राइंगल में दोस्तों ये जो एंगल एन है, ठीक है, ये जो एंगल एन है ये 90 डिग्री है, और इस ट्राइंगल में भी हमारे पास एंगल एम जो है वो 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं एंगल बी एन पी इक्वल है उस ट्राइंगल के पी एम सी से। क्यों इक्वल है? क्योंकि ईच 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों 90 डिग्रीज है, 90 90 है, तो मेजरमेंट सेम है इनका, तो एंगल्स इक्वल हो गए। और तीसरा रीज़न हमें सोचना है, तीसरा रीज़न भी क्वेश्चन में दिया है, जैसे ये दिया हुआ था बी सी के बराबर है और ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनाते हैं, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि परपेंडिकुलर्स बनाओ, तो 90 तो बन नहीं थे, ये भी क्वेश्चन में दिया था। और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि मिड पॉइंट ऑफ बी सी है, पी कौन है? बी सी का मिड पॉइंट, तो बी पी और पी सी इक्वल हुआ, है कि नहीं? तो अगर पी मिड पॉइंट है बी सी का, पी अगर मिड पॉइंट है बी सी का, तो बी पी जितना है उतना ही सी पी है, तो हम कहेंगे बी पी इक्वल है सी पी के, क्योंकि पी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, आई बात समझ में? ये तीन रीजन हो गए और हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल बी एन पी, ये येलो वाला ट्राइंगल इस ब्लू वाले ट्राइंगल से सी एम पी, इससे कॉन्ग्रुएंट है बाय कौन सी टेस्ट लगी? ए ए एस टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मैंने कॉन्ग्रुएंट किया ही क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो हम अब बिंदास कह सकते हैं कि पी एम और इस ट्राइंगल का पी एन इक्वल होंगे। ठीक है, सो हम कहेंगे पी एन इक्वल है पी एम के। ठीक है, और ये क्यों कहा? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। ठीक है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके साइड्स इक्वल कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल, राइट, इस पूरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट बन चुका है, राइट, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो इसका पी एन इक्वल होगा इसके पी एम से, है कि नहीं? डन। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। हमें बोला था जो परपेंडिकुलर्स हैं वो इक्वल हैं, प्रूफ करो। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है? ए बी पे पी एन, ए सी पे परपेंडिकुलर कौन है? पी एम। तो पी एन और पी एम को इक्वल करना था, जो हमने बहुत आसानी से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया और सम खत्म। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना होता है बस इन ट्राइंगल बी एन पी एंड ट्राइंगल सी एम पी, ये सी एम पी, ये लिखना होता है। ठीक है, एंड दिस वे चार लाइन का सम है, ख़त्म हो गया, सिंपल। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, अभी हम इसका सेकेंड पार्ट भी करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए क्या कह रहा है कि वापस वही चीज़, ये मैं यहाँ से रब कर देता हूँ दोस्तों, आई विल गो विद द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, वापस पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि वापस एक ट्राइंगल लो ए बी सी, जिसमें एंगल बी और एंगल सी को इक्वल कर दो। तो चलो ये देखो, ठीक है, मैं ट्राइंगल बना देता हूँ, राइट, आई जस्ट टेक अ ट्राइंगल,
सो ये रहा मेरा ट्राइंगल एबीसी, सो इसका नाम रख देता हूँ दोस्तों, और इसमें एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, ये हमको पता है, एंगल बी एंगल सी के बराबर है, ये हमको दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी एंड सी, बी और सी से परपेंडिकुलर बनाने पड़ेंगे। बी से परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये रहा ठीक है, बी से जब परपेंडिकुलर निकलेगा तो किसको परपेंडिकुलर होगा, ये जो लाइन बी से निकली है वो परपेंडिकुलर होगी किसको, ए सी को, और सी से जो परपेंडिकुलर निकलेगा वो किसको परपेंडिकुलर होगा, ए बी को। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी एंड सी टू द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि परपेंडिकुलर्स आर इक्वल, ठीक है, ऊपर वाले में यही करना था, परपेंडिकुलर्स आर इक्वल यही प्रूफ करना था, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर्स आर इक्वल ये प्रूफ करना है, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर कौन से, कहाँ से, किस पे, ये समझना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा है परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी एंड सी टू दी ऑपोजिट साइड, चलो बना देते हैं, चलो बना दिया, ये देखो बी से परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ बी डी, ठीक है, डी नाम दे दिया, बी डी हमारा परपेंडिकुलर है बी से, फ्रॉम बी टू ए सी, मतलब टू ऑपोजिट साइड, वैसे ही यहाँ से परपेंडिकुलर आया, दिख रहा है दोस्तों, ये देखो, ठीक है, इसका नाम दे दिया सी ई, तो सी ई कौन है, सी ई परपेंडिकुलर है ए बी को, बी डी क्या है, परपेंडिकुलर है ए सी को, है कि नहीं, और ये दोनों परपेंडिकुलर्स इक्वल है ये प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ क्या करना है दोस्तों, व्हाट वी हैव टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूफ कि जो बी डी है वो इक्वल है सी ई के, आई बात समझ में। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लग रहा है, पहले वाला फर्स्ट पार्ट जो था वो आसान था, बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इसको ध्यान से देखो दोस्तों, ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ पे वापस हमें यही सोचना है कि बी डी और सी को इक्वल करना है तो कोई तो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, ठीक है, कोई तो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, तो चलो देखते हैं किसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे वो समझो, ठीक है। अब बी डी चाहिए तो बी डी वाला ट्राइंगल ये भी हो सकता है, एक बी डी ए ये एक ट्राइंगल हो सकता है, ये वाला ट्राइंगल लिया जा सकता है कि नहीं, और दूसरा ट्राइंगल ये लिया जा सकता है, सॉरी बी डी को लेके दो ट्राइंगल बन सकते हैं, एक होता है बी डी ए, ठीक है, या तो मैं ये ट्राइंगल ले सकता हूँ या तो फिर मैं बी डी वाला ये भी ट्राइंगल ले सकता हूँ, कौन सा, बी डी सी, ठीक है, तो बी डी ए ट्राइंगल भी ले सकते हैं, बी डी सी ट्राइंगल भी ले सकते हैं, तो कौन सा लें जिससे आसानी से सम सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो हम लोग इस केस में बी डी सी वाला लेंगे, क्यों लेंगे बी डी सी, क्योंकि हमें कहा है एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो वो सी की तरफ अगर डायग्राम बनाएंगे तो शायद वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है, तो बी डी ए नहीं लूँगा मैं, बी डी सी लेके ट्राई करता हूँ कि किसी वजह से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अगर आप बी डी को सी ई से इक्वल करना चाहते हो तो बी डी के लिए बी डी सी ट्राइंगल ले लो, ताकि इसको आप कॉन्ग्रेंट कर सको सी ई के लिए, सी ई के समय सी बी सी सी बी ई ट्राइंगल लेना, मतलब ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, चलो तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल, ठीक है, बी डी सी एक ट्राइंगल ले लिया और सी ई बी, ठीक है, ये दो ट्राइंगल ले लिया, कौन से एक बार वापस दिखा रहा हूँ डायग्राम में देखो, एक रहा बी डी सी ट्राइंगल, इसको, ठीक है, इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, चलो पहला रीज़न बताओ, ठीक है, पहला रीज़न ये है कि BDC ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है कि नहीं, डी पे 90 डिग्री है, क्यों 90 डिग्री है, हमने खुद ने परपेंडिकुलर बनाया, परपेंडिकुलर हमने क्यों बनाया, क्वेश्चन में कहा था, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है BD तो 90 डिग्री बना रहा है, और वैसे ही इस ट्राइंगल में ये जो CE है ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री बनाता है, तो पहला रीज़न तो आ गया, क्या पहला रीज़न आया कि इस ट्राइंगल का जो एंगल ये है डी वाला, मतलब एंगल बी डी सी इक्वल है एंगल, कौन से एंगल से बताओ, सी ई बी से, ये वाले एंगल से, ठीक है, ई वाले एंगल से, ठीक है, ई पे 90 डिग्री बन रहा है सी ई बी से, ये हुआ पहला रीज़न, ठीक है, हमें तीन रीज़न चाहिए, एक मिल गया, अभी दूसरा बताओ क्या है, सोचो इन दोनों ट्राइंगल्स में इसमें और उसमें क्या सेम है, चलो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये देखो मुझे ये ट्राइंगल को मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ दोस्तों, ये देखो, ओके, मुझे ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है हमारे कौन से वाले ट्राइंगल से,
ठीक है, दूसरे वाले सी ई बी से, तो मैंने ये ट्राइंगल लिया और ये भी ले लेता हूँ, देखो ठीक है दोस्तों, ये ट्राइंगल ले लेता हूँ, इससे अपने को चलो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। पहला रीजन मिल चुका है, ये येलो वाले ट्राइंगल का ये वाली एंगल और इस ये ब्लू वाले ट्राइंगल के ये वाले एंगल से इक्वल है। दूसरा रीजन देखो, क्या इस ट्राइंगल में बी सी साइड आती है, देख रहे हो बी सी साइड, और इसी ट्राइंगल में वही बी सी साइड आती है, राइट। तो ये जो बी सी है वो हमारे बी डी सी ट्राइंगल की भी है, राइट, और ये जो हमारी बी सी है वो हमारे सी ई बी ट्राइंगल में भी आती है। तो हम कहेंगे बी सी इक्वल टू बी सी, दोनों में सेम साइड है, मतलब दोनों में कॉमन साइड है, ठीक है। तो ये कॉमन है साइड, दोनों में ये साइड आती है, क्योंकि ये साइड कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का बी सी और उस ट्राइंगल के बी सी से सेम है, क्योंकि सेम बी सी की बात चल रही है कि नहीं। ओके, तीसरा रीजन, तीसरा रीजन तो क्वेश्चन में दिया है, देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कहा है कि नहीं, क्या आप बता सकते हो कि ये जो येल्लो वाला ट्राइंगल है इसमें कौन सी एंगल आती है, इस येल्लो वाले ट्राइंगल में क्या ये फुल एंगल सी आती है, राइट, ये येल्लो वाले ट्राइंगल में फुल एंगल सी आती है, और येल्लो वाले ट्राइंगल में अगर फुल सी आती है तो देखो ये ब्लू वाले ट्राइंगल में क्या फुल बी आती है, आती है कि नहीं आती है, हाँ ये पूरी बी उसमें आती है, ठीक है। इनकी कोई बात नहीं करनी है, ये छोटे हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स की बात नहीं करनी है, ठीक है, हमें चाहिए येल्लो वाले ट्राइंगल का कोई तो एंगल। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि येल्लो वाले ट्राइंगल में सर बी वाली एंगल आती है, लेकिन ये जो एंगल हमने मार्किंग की है बी वाली, ये बी नहीं है, यहाँ पे एंगल बी बोला है, मतलब यहाँ पे फुल एंगल बी बोला है, आई बात समझ में। तो येल्लो वाले ट्राइंगल में, येल्लो वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में हमारे पास बी एंगल नहीं है, फुल बी वाली एंगल, ये वाली एंगल इसमें नहीं आती है, ठीक है, नहीं आती है। इस ट्राइंगल में हम लोगों को ये वाली जो सी वाली एंगल है ये आती है, देखो सी वाली एंगल आती है कि नहीं, हमारे ट्राइंगल की है वो एंगल, हाँ ये एंगल हमारे ट्राइंगल की है, तो ये एंगल इस येलो वाले ट्राइंगल के लिए, और ये देखो ब्लू वाले ट्राइंगल, ठीक है, ये ब्लू वाला ट्राइंगल देखो, ये ब्लू वाले ट्राइंगल में फुल बी आती है, बराबर है कि नहीं। तो हम कहेंगे एंगल सी हमारे बी डी सी में फुल सी आता है, और हमारे सी ई बी में फुल बी आता है, तो ये दोनों इक्वल है, ये तो गिवन है, बराबर है कि नहीं। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्राइंगल येलो वाला बी डी सी, ठीक है, कॉन्ग्रेंट हुआ, बी डी सी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुआ सी ई बी के, बाय कौन सी टेस्ट, देखो देखो कौन सी टेस्ट लगी है, एक बार देख लो क्या क्या रीजन बोला आपने, बोला ये एक एंगल हुआ, आपने ये भी एंगल बोला बरोबर, और आपने बी सी साइड बोला, तीन रीजन बोले हैं, तो कौन सी टेस्ट हुई दोस्तों, ए ए एस टेस्ट हुई। सो बाय ए ए एस टेस्ट से हम इनको कॉन्ग्रेंट कहेंगे। अब आप बताओ मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया ही क्यों, ठीक है, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके साइड्स को इक्वल बोल सकें। तो क्या मैं अब यहाँ पे बिंदास बोल सकता हूँ कि बी डी, ठीक है, जो बी से परपेंडिकुलर निकला है बी डी, ठीक है, ये जो येलो ट्राइंगल का बी डी है वो ज़रूर इक्वल है हमारे ब्लू वाले ट्राइंगल सी ई से, करेक्ट है कि नहीं, ये सी ई से इक्वल है। क्यों इक्वल है, अरे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं तो ये उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसीलिए तो मैंने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया ताकि मैं ये जो उनके पार्ट्स हैं बी डी और सी इनको इक्वल बोल सकूँ, आया ना। एंड हैंस प्रूफ, आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी क्लियर टू यू, काफ़ी आसान सा सम था, राइट, पहले वाले सम का डायग्राम थोड़ा इजी था, ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स थे, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नोट करनी थी कि इन दोनों ट्राइंगल्स में बी सी आता है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखना था कि इस ट्राइंगल में सी आता है, राइट, और इस ट्राइंगल में बी आता है, और बी सी के बराबर दिया हुआ है, बी सी कॉमन साइड हमें खुद दिख रहा है, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये तो हमें पता ही है, तो तीनों रीज़न पता थे, बस समझना था, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सब में।